दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से IIM के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और IIM के तकरीबन 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैं, तो हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में हम कुछ पिछले कुछ दिनों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनके प्रोसेस के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में, एडमिशन इनटेक के बारे में और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जो आपने आज इंस्टीट्यूशन चूज़ किया है डिस्कशन के लिए, उसका नाम है IIM शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरी दरख्वास्त है, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा और आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं उसके पूरे जवाब यहाँ पर आपको आज मिलेंगे। जैसे कि हम जब भी एडमिशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि कौन से कोर्सेस हैं वहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं, फ़ी रेंज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सा एग्ज़ामिनेशन वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, हाईएस्ट सैलरी पैकेज क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज रैंक क्या होगा जिसको हम PT बोलते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी होगी या नहीं होगी, स्कॉलरशिप होगी या नहीं होगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपके दिमाग में जो भी सवाल है उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के दौरान दिए जाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है एकेडमिक इनसाइट्स। तो और एक बार मैं आप सभी का मेरे इस एकेडमिक इनसाइट चैनल में सब स्वागत करता हूं और आपको दरख्वास्त करता हूं कि मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में यहां पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम गंवाए मैं आपको और एक बार दरख्वास्त करता हूँ, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं उस सवालों का जवाब आपको इस वीडियो दौरान मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का ये वीडियो, जो है IIM शिलोंग के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शिलोंग के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है शिलोंग का पोजीशन। जैसे कि हम शिलोंग के बारे में अगर बात करेंगे तो शिलोंग का जो IIM है उसका जो स्थापना हुई है, उसकी स्थापना हुई है 2007 में। NIRF रैंकिंग के हिसाब से इसको 30th नंबर का रैंकिंग दिया गया है। भारत का ये 30th नंबर का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है NIRF रैंकिंग के हिसाब से। ये जो कैंपस है ये 12 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। यहाँ पे दो कोर्सेस, अलग अलग कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं, स्टूडेंट्स को ऑफ़र किए जाते हैं। अगर हम फीस की बात करेंगे तो फीस जो यहाँ पे चार्ज होता है वो है 6.34 लाख से 14 लाख, इस रेंज में यहाँ पर फीस चार्ज किया जाता है। 6.34 लाख से 14 लाख तक यहाँ पे फीस चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट वाली अगर हम बात करेंगे तो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की एक डिग्री होना ज़रूरी है, वो प्रोफेशनल की हो या ट्रेडिशनल की हो, डिग्री होना ज़रूरी है। मगर उसके लिए भी परसेंटेज का एक कंडीशन है, अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, और अगर हम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। ये हो गया डिग्री का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, अगर हमें इस इंस्टीट्यूशन में, शिलोंग के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो हमें कैट, दैट इज़ कॉमन एडमिशन टेस्ट, पास करना होगा। और अगर हम उस IIM शिलोंग के हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे जो पिछले साल के स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया गया था 2020 में, वो है 48.5 लाख पर एनम, इतना सैलरी पैकेज, हाईएस्ट सैलरी पैकेज था पिछले साल का जो स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया गया था। अगर हम दूसरी बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटी की, तो इस कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है बच्चों के लिए, उनको दी जाती है, और ये है हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो तीन चीज़ों पे बेस होता है। पहला होता है कैट का परसेंटाइल, दूसरा होता है GD का परसेंटाइल, तीसरा होता है PI का परसेंटाइल, और ये तीनों मिला के एक ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैंने एक जनरल कैटेगरी के
स्टूडेंट्स के लिए जो परसेंटाइल पिछले साल यूज़ किया था वो यहाँ पे लिखा है, पिछले साल का यहाँ पे लिखा है वो है 90%। अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाता है जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, फाइनेंशियली बैकग्राउंड वीकर सेक्शन से आते हैं, वीकर फाइनेंशियली बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट किया जाता है, जिसको हम स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो ये था वीडियो जो हमने बनाया, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दी IIM शिलोंग के बारे में। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। जाते जाते ये वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और सबसे बड़ी बात, इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अगर कुछ कमेंट देना है तो यहाँ पे अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम हमारे वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सकें। तो ये था वीडियो IIM शिलोंग के बारे में। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और एक IIM इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।